एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं, देखिए कैसे होंगे वो। वही रूल अपना वही चलेगा, चेंजिंग क्या होगी मैं आपको बता दूंगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेडिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसमें आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। एक्टिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, देखो हैज हैव के साथ हम किसका यूज कर देते हैं, बीन का प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका सबसे बेनिफिट यही है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो भी अपने आंसर सो जाते हैं, क्योंकि हैज हैव के साथ ऑलरेडी ग्रामर क्या देती है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म देती है। देखो पहला एग्जाम पर लेके चलते हैं अपने इसका, ही हैज रिपेयर द कार। तो अपने इसको एक बार बनाते हैं फिर इसके रूल पे चलेंगे। सबसे पहले मैंने इसको बनाया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वही केस सिंगुलर प्लूरल का, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर, हैज, फिर उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, बीन, फिर वो थर्ड फॉर्म रिपेयर, फिर बाय, फिर ही का हो जाएगा हिम। तो अपने पास रूल क्या बन गया, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस में बीन, जहां आई एन जी की वजह से बीन लगा रहे थे वहीं है जब हमारे पास है तो हम किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। देखो रूल वही चल रहा है, चेंजिंग थोड़ी बहुत आ रही है टेंस चेंज होने की वजह से, एग्जाम्पल्स चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको साथ में लिख के बता रहा हूँ। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा और बता दूं, जो भी पोसेशन वाले प्रोनाउन है, पोसेशन वाले प्रोनाउन है जैसे कि कौन सा, हिज हर माई देयर आवर, ये अपने साथ एक नाउन लेके चलेंगे, उनको दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव होने को। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हर वर्क, हर वर्क अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज का हैज, फिर बीन ना रूल ये कहता है बीन आएगा, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म में वो दी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी, वही लिख देते हैं कंप्लीटेड, फिर बाय, फिर सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा हर। देखो रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार फिर, देखिए एग्जाम्पल सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, आप इसका पैसिव वॉइस बनाना था, सबसे पहले क्या आएगा हर वर्क, फिर हेल्पिंग वर्क हैज और हेल्पिंग से हैज आएगी, फिर बीन, फिर कंप्लीटेड, फिर बाय, फिर हर, अपना यही रूल कह रहा है। हेल्पिंग वर्क देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्क के रूप में हमने किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट, दे हैव वास्ट द यूटेंसिल्स। देखिए अपनी इसको कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस सबसे पहले आएगा द यूटेंसिल्स। अब देखिए द यूटेंसिल्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल आएगी तो यहाँ पे क्या इसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, फिर बीन, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो वास्ट का वास्ट आ जाएगा, फिर देखिए अपने किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, फिर देखो किसमें चेंज करते हैं, देन में करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर आगे देखते हैं इसको।